प्रमुख मार्ग हैं गेट नंबर 1 का, गेट नंबर 2 का, जो स्टेट बैंक चौराहे से मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 1 पे आता है और बस स्टैंड से लेके गेट नंबर 2 पर आता है। ये रेलवे की भूमि के अंतर्गत आता है। ये मार्ग काफी क्षतिग्रस्त और वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। हमने अपने लोकल स्तर पर काफी माध्यम से प्रयास किया, लेकिन उन लोगों का कहना ये रहता है कि ये रेलवे की भूमि है, रेलवे इसको डेवलप करेगी। तो मेरा निवेदन है, वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था, सड़क बने, मेरा आपसे आग्रह है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पे तो अभी काम चल रहा है, जहाँ अंडरपास बन रहा है तो उसको दूसरी जगह फॉरवर्ड किया गया है, ये डाइवर्ट किया गया है, तो वहाँ रास्ते पे कहीं लाइट नहीं है। और दूसरा जो गेट नंबर अपना सेकंड है बस स्टैंड की तरफ से माल गोदाम वाला जिसको बोलते हैं हम, वहाँ बिल्कुल प्रकाश की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था बेकार है। एक विषय, मथुरा जनपद में ग्राम पंचायत फतेह जो आती है, वहाँ बाउंड्री वॉल का कार्य किया जा रहा है जो होना भी चाहिए। उसके अंतर्गत एक छोटी सी समस्या, वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनको काफी परेशानी आ रही है। वहाँ रेलवे जो लाइन है वो काफी तिरछी है, तो उसकी वजह से उनके खेत उस तरफ हैं और वो रहते इस तरफ हैं। तो ऐसे कई किसान हैं जिनको आने जाने में वहाँ उसकी बाउंड्री वॉल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे सादर आग्रह है कि उसके लिए अंडरपास का प्रस्ताव आप बनाकर उसको अंडरपास बनवाने का कष्ट करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा में, जो दीनदयाल धाम फरेश स्टेशन है, वहां विगत वर्षों से इंटरसिटी आगरा दिल्ली ईएमयू पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव रहता है। मेरा आपसे आग्रह है, ये वहां के क्षेत्रवासियों की मांग है, उनका भी लेटर वो उसमें कवर करके मैंने लगा रखा है, कवरिंग लेटर लगा हुआ है वहाँ का। और वहाँ महाकौशल एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस जो वहाँ से होते हुए जाती हैं, तो वहाँ अगर इनमें से किसी का ठहराव हो जाए तो काफ़ी वहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सबसे को प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार, धन्यवाद।